योगी बाबा के राज में एक गौ भक्त ने कर दिया ऐसा काम कि सम्मान में झुक गया पूरा हिंदुस्तान। पीएम मोदी और सीएम योगी अगर देख लेंगे ये तस्वीरें तो तालियां बजाने को हो जाएंगे मजबूर। कौन है योगी बाबा के सूबे में रहने वाला वो शख्स जिसने अपनी बूढ़ी गौ माता को दे दी ऐसी विदाई कि अंतिम यात्रा देखकर पूरे गाँव की आंख भर आई। उमर पड़ा जनसैलाब, यकीन मानिए इससे पहले नहीं देखा होगा ऐसा नजारा। रोजाना हम आपको गांव से लेकर शहर तक, देश से लेकर विदेश तक, राजनीति के गलियारों से लेकर खेल के मैदानों तक, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज जिस खबर को हम दिखाएंगे उसको देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि मोदी और योगी भी इस खबर को देखकर खुशी से झूम उठेंगे। आज इस खबर को देखने के बाद आज आप इतना शेयर कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक एक खबर पहुंच जाए। अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम है पप्पू प्रधान। पप्पू प्रधान उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के छोटे से गांव रोनिजा के रहने वाले हैं। प्रधान जी पेशे से किसान हैं और किसानों की आवाज को दिल्ली के दरबार तक बुलंद करते रहते हैं। आपको बता दें कि पप्पू प्रधान भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन से जुड़े हैं। इसी गाँव के रहने वाले मास्टर शिवराज सिंह इस संगठन को चलाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन का खूब बोलबाला है। मास्टर शिवराज सिंह के साथ पप्पू प्रधान भी किसानों की आवाज को हमेशा उठाते रहते हैं, लेकिन इन सबसे परे पप्पू प्रधान ने अब जो काम किया है उसको लेकर हर कोई तारीफ कर रहा है। पप्पू प्रधान ने ऐसा क्या किया है उसको बताने से पहले आपको 30 सेकंड के अंदर पहले कुछ और बताते हैं। अक्सर आपने पीएम मोदी और सीएम योगी को कई बार देखा होगा को किस तरह से गाय और नंदी से प्यार करते हैं। कई बार पीएम मोदी अपने आवास में गायों के साथ नजर आते हैं तो सीएम योगी का गौ प्रेम तो जग जाहिर है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बहुत बड़े गौ भक्त हैं। गौ सेवा की उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। लेकिन जो तस्वीर अब आप देखने जा रहे हैं शायद ही इससे पहले आपने ऐसी तस्वीर कभी देखी होगी। दरअसल पप्पू प्रधान का पशुओं से बहुत लगाव है, खासकर वो भी एक गौ भक्त हैं और गौ सेवा करते रहते हैं। पप्पू प्रधान बताते हैं कि आज से करीब 28 साल पहले उनके यहाँ एक गाय का जन्म हुआ। इनके पिताजी ने इस गाय की बहुत सेवा की और उसके बाद पूरे परिवार ने गाय माता की सेवा की। ये गाय जब चलने फिरने में असमर्थ हो गई तो पप्पू प्रधान इस गाय की सेवा में दिन रात जुटे रहे। डॉक्टर से लेकर खाने पीने तक गाय का अपने परिवार के सदस्य की तरह ही ख्याल रखने लगे। पप्पू प्रधान का पूरा परिवार गौ प्रेम में डूब गया। 10 जुलाई को इस गाय ने अपने प्राण त्याग दिए। अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है कि 28 साल बाद तक कोई गाय जिंदा रही हो। गाय के निधन के बाद पूरा परिवार शोक में डूब गया। बकायदा इस गाय का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया और जिसने भी इस गाय की अंतिम विदाई की तस्वीरें देखी वो दंग रह गया। अर्थी सजाई गई, विमान निकाला गया, ढोल और नगाड़े बजाए गए, पूरा गांव अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और फिर बकायदा मंत्र उच्चारण के साथ इस गाय का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार का ये नजारा देखकर जहां एक तरफ पप्पू प्रधान की तारीफ पूरा गांव करने लगा तो जैसे जैसे ये खबर क्षेत्र में फैली तो आसपास के लोग भी इस नजारे को देखकर दंग रह गए। अमूमन इस तरह की तस्वीरें आजकल बहुत कम देखने को मिलती है जो समाज में बिना कुछ कहे बहुत बड़ा संदेश दे जाती है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे हर किसी के अंदर पशु प्रेम और गौ माता का भाव जग पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।